बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हम मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी एट्रीब्यूट एंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। व्यूअर्स, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर, कैसे यूज़ करते हैं, अगर टेबल आपको दिया हो तो उसके अंदर एट्रीब्यूट कहाँ पर होंगे, और ईआरडी डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, और फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस, द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ओवर प्रॉपर्टीज। व्यूअर्स, जो किसी भी एंटिटी के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं या उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे व्यूअर्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, इसके अंदर जो इसके एलिमेंट हैं, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, क्लास है या डेट ऑफ बर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि इस टेबल के पांच एट्रीब्यूट हैं। रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, इसी तरह क्लास एक एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स है। इसके बाद अगर आपको टेबल दिया हो, जैसे यहाँ पर कुछ रोल नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दी हुई है, इसी तरह कुछ नेम्स यहाँ पर हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लासेस शो की हुई हैं, यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ शो की हुई है, तो इसके अंदर व्यूअर्स ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स है। यानी कि ये रोल नंबर का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर तमाम रोल नंबर आएंगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख सकते हैं, ये नेम का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर तमाम आप स्टूडेंट के नेम जो है ना वो लिख सकते हैं, इसी तरह ये क्लास का एट्रीब्यूट है, यहाँ पर आप क्लास मैंशन कर देंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अगर ईआरडी डायग्राम की बात करते हैं व्यूअर्स, तो उसके अंदर ये ओवल साइन का ये सर्कल होता है, इसको हम एज ए एट्रीब्यूट शो करते हैं, और यहाँ पे जो भी आपने एट्रीब्यूट लेना हो, यानी कि आपने रोल नंबर लेना है तो यहाँ पर नीचे आप दरमियान में आप रोल नंबर लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन का एट्रीब्यूट शो करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिख देंगे, अगर आपने नेम का एट्रीब्यूट शो करना है तो यहाँ पर आप नेम शो कर देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखें व्यूअर्स, यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है या एंटिटी है, यहाँ पे उसका रोल नंबर आ रहा है, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, यहाँ पे इसका नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, तो ये वाले रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तमाम आपके क्या आप कहलाएंगे, ये एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। इसी तरह व्यूअर्स, यहाँ पर एम्प्लाई का एंटिटी है या एम्प्लाई का टेबल है, इसके अंदर एम्प्लाई नंबर है, ई नेम है, डेट ऑफ ज्वाइन है, और उसके बाद एक्सपीरियंस है, तो ये सारे जो है ना ये आपके क्या है कहलाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो व्यूअर्स आगे आ जी, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, सिंपल एट्रीब्यूट्स है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, उसके बाद सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, उसके बाद मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बाद ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके बाद आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स आपके पास आ जाएंगे। व्यूअर्स ये इसकी कुछ टाइप्स हैं जो हम आगे फर्दर डिस्कस करते रहेंगे या यूज़ करते रहेंगे। सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, इसी तरह स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट और आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर के अंदर आपको समझ आ गई होगी कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।